हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के बारे में। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट क्या होता है और ये किस सब्जेक्ट में आता है? तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। जो फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और दोनों में ही ये फ्लूइड मैकेनिक्स आता है। और दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैकेनिक्स होता क्या है, तो मैकेनिक्स का जो बेसिक होता है सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उसी का एक अलग से पार्ट होता है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम लोग लिक्विड के बारे में और गैसियस के बारे में और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट वाइज जो हैं चैप्टर वाइज जो मैंने डिस्कशन किया हुआ है और एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो लगभग 6 से 7 वीडियो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के रिलेटेड डाल चुका हूँ। तो यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन वीडियो को देखना ना भूलें। और देखने के बाद यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो कम से कम आप कमेंट में उस डाउट्स को पूछ लीजिए, जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो टॉपिक्स इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन सा डिस्कशन करने वाले हैं, तो पहला है ओरिफिश। ओरिफिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ ओरिफिस पढ़ने वाले हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में जानेंगे, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट क्या क्या होता है वो देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट इन लेबोरेटरी, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट को हम लोग लेबोरेटरी में कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक नेम इज़ ओरिफिस। ओरिफिस क्या होता है दोस्तों? ओरिफिस क्या होता है बच्चों? एन opening in a tank or a vessel through which liquid flow out is known as orifice। किसी भी टैंक या वेसल के अंदर जो ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है और जिस ओपनिंग से पानी जो है नीचे की तरफ फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिफिस। दिस होल और ओपनिंग इज कॉल्ड एज ए ओरिफिस। यही जो छोटा सा होल होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिफिस बोलते हैं। So long as the level of the liquid on the upstream side is above the top of the orifice, this orifice is used to measure the discharge। दोस्तों ये orifice जो है वो किस चीज़ को measure करता है? तो ये measure करता है discharge को। और discharge क्या होता है? तो पानी का जो level है, जो flow करता है पानी, और कितना amount of water, कितने particular time में कितना volume of water flow करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज। एन ओरिफिस मे बी प्रोवाइडेड इन वर्टिकल साइड ऑफ द टैंक और इन द बेस। दोस्तों ओरिफिस जो है टैंक के वर्टिकल साइड में भी प्रोवाइड किया जा सकता है और बेस पर भी प्रोवाइड किया जा सकता है। आगे की स्लाइड बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ओरिफिस, कितने प्रकार के ओरिफिस होते हैं? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक होता है सर्कुलर ओरिफिस, दूसरा है रेक्टेंगुलर ओरिफिस, तीसरा है स्क्वायर ओरिफिस, चौथा है ट्रायंगुलर ओरिफिस। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो, तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये एक टैंक है और ये टैंक के अंदर ये जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है, जो होल प्रोवाइड किया गया है जहाँ से पानी पास करता है उसी होल को हम लोग ओरिफिस बोलते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो कि सर्कुलर ओरिफिस है, रेक्टेंगुलर शेप का है, स्क्वायर शेप का है और ट्रायंगुलर शेप का है। According to the size of orifice, ओरिफिस के साइज के प्रमाण से हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक होता है स्मॉल ओरिफिस, दूसरा है लार्ज ओरिफिस। यदि ओरिफिस का जो हाइट है वो ग्रेटर देन 5 into diameter 5D होगा तो उसको हम लोग स्मॉल ओरिफिस बोलेंगे, और यदि 5D ज़्यादा होगा हाइट से तो उसको हम लोग लार्ज ओरिफिस बोलेंगे। डी जो है वो हमारा डायमीटर ऑफ ओरिफिस है और एच जो है वो हेड अबोव द सेंटर ऑफ ओरिफिस। ओरिफिस के सेंटर से कितना ऊपर हाइट है उसको हम लोग एच ले रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द एज, शेप के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन प्रकार का ओरिफिस होता है। एक है शार्प एज ओरिफिस, दूसरा है बेल माउथ ओरिफिस और तीसरा है स्क्वायर ओरिफिस। तो शार्प एज ओरिफिस आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो एज है वो एकदम शार्प है। बेल माउथ, यहाँ पे ये वाला डायग्राम जो है वो बेल माउथ ओरिफिस है और तीसरा जो है वो स्क्वायर ओरिफिस है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के नेचर के हिसाब से हमारे पास तीन प्रकार का ओरिफिस है। पहला है फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस, दूसरा है फुल्ली सबमर्ज ओरिफिस और तीसरा है पार्सली सबमर्ज ओरिफिस। ये है दोस्तों सबमर्ज ओरिफिस और ये है पार्सली सबमर्ज ओरिफिस। अब बात करते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा की। वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है? तो कंसीडर ए टैंक फिटेड विथ एन ओरिफिस एज सोन इन फिगर। एक पीछे फिगर दिया गया है, मान लीजिए कि एक टैंक है उसके अंदर कोई ओरिफिस जो है वो फिट किया गया है। द लिक्विड इन ऑर्डर टू फ्लो आउट थ्रू ए ओरिफिस मूव टूवर्ड द ओरिफिस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन से वो जो लिक्विड है वो क्या करेगा, तो अपने डिज़ायर जहाँ से पानी बाहर निकलने वाला है वहाँ तक पहुँचेगा और उसी को तो हम लोग ओरिफिस बोल रहे हैं। अ फ्यू ऑफ ए पार्टिकल्स फर्स्ट मूव डाउनवर्ड, कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो सबसे पहले डाउनवर्ड जाएंगे एंड देन टेक ए टर्न टू एंटर इनटू द ओरिफिस, उसके बाद वो क्या करेंगे ओरिफिस में एंट्री करेंगे एंड देन फाइनली फ्लो थ्रू इट, उसके बाद वो वहाँ से निकलेंगे। द सेक्शन एट अ डिस्टेंस डी बाई टू फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल ऑफ टैंक, टैंक के वॉल से डी बाई टू डिस्टेंस पर एट विच कंट्रैक्शन और द जेट इज मैक्सिमम इज नोन एज वेना कॉन्ट्रैक्टा। उस पॉइंट पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और उसी को हम लोग बोलेंगे वेना कॉन्ट्रैक्टा। ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक टैंक है और यहाँ से पानी जो है फ्लो कर रहा है और पानी फ्लो करने के बाद यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो गया है। ये सी क्रॉस सेक्शन है, वेना कॉन्ट्रैक्टा का पार्ट है। और कितने डिस्टेंस पे दोस्तों? तो डी बाई टू डिस्टेंस पे। इसके बाद आता है हाइड्रोलिक कोफिशियंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसमें से हर बार चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट की एग्ज़ाम ले लीजिए या आपके यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम ले लीजिए, हर एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, पक्का मिलता है वहाँ से। तो यहाँ से तीन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। पहला होता है कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं CC, कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी जो है CV और कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं CD। तीन प्रकार का कोफिशियंट होता है। एक जो है वो कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द ए नॉट ऑफ द ओरिफिस और द ओपनिंग। तो कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC इज इक्वल टू AC अपॉन ए नॉट। कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी जो है इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू आइडियल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी और आइडियल वेलोसिटी और थियोरेटिकल वेलोसिटी का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है CD इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरेटिकल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब दूसरा एक यहाँ से रिलेशन बन के आता है कि कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज CD इज इक्वल टू CC मल्टीप्लाई CV। ये रिलेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज टू द आइडियल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज मतलब क्यू एक्चुअल और थियोरेटिकल डिस्चार्ज मतलब क्यू थियोरेटिकल, और क्यू एक्चुअल को हम लोग क्या लिख सकते हैं V एक्चुअल अपॉन V थियोरेटिकल इनटू क्यू थियोरेटिकल को क्या लिख सकते हैं तो ए एक्चुअल अपॉन ए थियोरेटिकल। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन बन गया CD इज इक्वल टू CV इंटू CC। कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी CV इज इक्वल टू V एक्चुअल अपॉन V थियोरेटिकल और कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज CD इज इक्वल टू एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ओरिफिस।
तो ये रेशियो को हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशियंट इन लेबोरेटरी। दोस्तों लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोलिक कोफिशियंट को कैसे आप निकाल सकते हो? तो इन दिस मेथड ए टैंक कंटेनिंग वाटर एट द कॉन्स्टेंट लेवल मेंटेन बाय अ कॉन्स्टेंट सप्लाई इज यूज एंड ऑरिफिस इज प्रोवाइडेड इन वॉल ऑफ द टैंक। एक टैंक है जिसके अंदर कंटिन्यूसली पानी जो है वो सप्लाई हो रहा है और वहाँ पे टैंक के बॉटम में टैंक के वॉल के ऊपर एक ओरिफिस प्रोवाइडेड किया गया है। लेट द वाटर फ्लो आउट ऑफ द टैंक थ्रू द ओरिफिस। मानते हैं कि उस ओरिफिस में से कुछ पानी जो है वो बाहर आ रहा है। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ वाटर ऑफ जेट एट पी। कुछ पार्टिकल जो है उसको पी लेते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम को क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि एक टैंक है और उसके अंदर एच हाइट हेड जितना पानी भरा हुआ है और उसके अंदर से एक ओरिफिस में से पानी जो है फ्लो कर रहा है। एट दैट सी सी डिस्टेंस डी बाई टू पर एक वेना कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरे टैंक में पानी जो है जमा हो रहा है, ये वाई है और ये डिस्टेंस को एक्स है। तो ये एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस इसका हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे पास जो कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला यहाँ से बन के आता है, सी वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फोर वाई एच। ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या है फार्मूला? सी वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फोर वाई एच। सी सी इज़ अ कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सी वी इज़ अ कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी एंड सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी वी। दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ सी सी इसको स्क्रू जैक मेथड से या डिटर्मिनेशन ऑफ सी सी इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। रिंग मेथड और ये जेट प्रोवाइड किया गया है, यहाँ से कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी निकालते हैं। कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एरिया एक्चुअल अपॉन एरिया थ्योरेटिकल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आपको पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है तो आप अनलाइक भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। क्यों नहीं पसंद आया वो भी आप कमेंट करके दे सकते हो, जिससे कोई अपग्रेडेशन करना हो तो मैं कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।